हजरत मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मंझले भाई हैं। आप जब मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए वापस आए तो लोगों ने आपसे पूछा कि मौलाना क्या देखा, तो फरमाने लगे एक समझ नहीं आई, आठ जन्नतें मैंने सुनी थी वो सारी मैंने एक एक करके वहां आती देखी है और मदीने पे कुर्बान होती देखी, तो अजीब ही इस शहर का मैंने रंग देखा है। कहने लगे अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे। कहते मैं देख के आया हूं, कोई अजीब ही रंग है उसका, कोई अजीब ही तवानाई है, कोई अजीब उस शहर की रानाई है, कुछ अजीब उस जगह की कैफियत है, और वहां के लैलो नहार सुबह शाम कुछ इनफरादियत रखते हैं, बस अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं। कहने लगे अजीब मामला है कि लोग गुलाब को फूल को पसंद करते हैं, फूल को पसंद करते हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा में किसी को कांटा भी चुभता है तो वो फूल से ज्यादा ठंडा लगता है। हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काजमी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तशरीफ ले गए उमरे के लिए तो पांव में छोटा सा कांटा चुभ गया, खुदाम साथ थे तो झटपट जमीन पे बैठे, सुइयां पकड़ी, हजरत निकाल दे, फरमाया ये मदीने का कांटा, इसे अंदर ही रहने दो, ये मदीने का है, इसे अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए। और नासर रजा साहब कहते हैं अल्लाह हवा चलती है ना, तो जब मैं मरूं तो हवा इस तरह की चलाना कि वो मदीने से आए और सीधी मेरी कब्र से होके गुजरे। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। और फिर अर्ज करते हैं रब करीम की बारगाह में कि मैंने वहां अजीब अंदाज देखा है, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं रसूल पाक के रोजे पे, कितने बोलिए 70,000 बंदा इकट्ठा देखा कभी आपने? 70,000 हजरत आजी साहब रहमतुल्लाह ले आजी सादिक साहब का जनाजा था तो जिस एरिया में जनाजा था वहां से पकौड़े भी खत्म हो गए थे, दुकानों से नान नहीं मिलते थे, अखबार वालों ने कहा 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया तो शायद कोई नहीं। मदीना मुनव्वरा में मेरे रसूल के दर अतहर पर एक एक वक्त में 20-20 लाख आदमी इकट्ठा होता है, 20-20। और मेरा दावा है, चैलेंज है मेरा कि जितने लोग भी खाना लेके आए जितना मर्जी थोड़ा लेके आए वो बाढ़ी जाता है, उन्हें बदना ही बदना है, बढ़ना ही बढ़ना है। मुझे एक साहब कहने लगे जी इतने रोटी बड़ी जाया होती, काट ली होनी चाहिए थी। मैं क्या जितनी मर्जी काट ले ये बाद ही जानी है, करिए की मामला ही अजीब है। यहाँ जो जो चीज आती है ना वो बहरहाल वजह उसकी, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मक्के में दुआ की थी हजरत इब्राहिम ने कि अल्लाह मक्के के फलों में बरकत दे दे, ऐ अल्लाह उन्होंने मक्के के लिए दुआ की थी तो मैं मदीने के लिए करता हूँ, ऐ अल्लाह हजरत इब्राहिम ने दुआ की और तूने मक्के में बरकत दी तो अब मेरे मदीने में मक्के से दुगनी बरकत पैदा फरमा, नबी पाक का फरमान है। ऐ अल्लाह मदीने में मक्के से 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं मेरे भाई और हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और वो फजर के वक्त आते हैं तो असर के वक्त उनकी तब्दीली हो जाती है, फिर नए 70,000 आते हैं, हदीस पाक है, वो फजर तक पढ़ते हैं तो उनकी छुट्टी हो जाती है। उन्होंने एक साहब कहने लगे कहते नहीं थे कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, मैं क्या हूं तेरिया मेरिया आनियां हूं तो ना समझ आए लहदा गल है, वरना तो 70,000 पढ़न डे नजर ना आए तो बात, ये तो हजरत दाहिया कलबी से पूछो ना जिनको नजर आते थे, ये तो हजरत दाहिया कलबी बताते हैं ना, वो कहते हैं मैंने हजरत जिब्रील को बाबे जिब्रील पे खड़े देखा है, हुजूर का रोजा अतहर है ना पीछे सरकार, तो कहते हैं बाबे जिब्रील पे हजरत जिब्रील खड़े थे तो यूं हाथ बांधे खड़े थे। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियाल भी फरमाते हैं मैंने जिब्रील से कहा आगे क्यों नहीं जाता, तो कहने लगे जरूरत ही नहीं, आगे घर वाला जाएगा, मैं तो दरबान हूं, आगे जाएगा जो घर वाला होगा, घर के अंदर घर वाले जाते हैं, खुदाम दरवाजे पे रहते हैं, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से अंदर ने गल्ला भी होली होली करता सर, बात भी ऊंची
ऊंचा नहीं बोलते थे हजरत जिब्रील, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा जरा लफ्जों का हुसन देखे ना, बुजुर्ग बात करते हैं तो रानाई देखें, बाबे जिब्रील के पहलू में, बाबे जिब्रील के सारा बुआ माल के नहीं, बाबे जिब्रील के भी यानी दरवाजे के भी नाल नुकरे ला के, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, दिन मैं दरवाजा खड़काना तो ए पलका इनके साथ ये मैं सरकार के दरवाजे पे नाखून नहीं लगाता, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया, ला तरफौ अस्वातकुम फौक सौत नबी वला तजहर लहू बिलकौलि कजहरि बादकुम लबा अन तहबत आमानकुम अंतुम ला तशुरून, आवाज ऊंची हुई तो उम्र का, तो मौलाना हसन रजा कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना के, सब जन्नतें हैं, मलायक लगाते हैं आंखों में अपनी फरिश्ते, लोग सुरमा और लगाते हैं, तो मौलाना हसन रजा कहते हैं मलायक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मजारे मदीना, शबो रोज खाके मदारे मदीना, जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है, जिधर देखिए, जिधर देखिए बागे, मौलाना अबू नसर साहब कहते हैं मैं मदीना तय्यबा गया तो रियाजुल जन्ना में रश बड़ा था, बूढ़ा आदमी था मैं, बूढ़ा आदमी था रश बड़ा था, एक दो दफा कोशिश की धक्के बगे लगे, जईफ आदमी था तो मेरे दिल में ख्याल है या अल्लाह इतनी सी जन्नत है तो बाकी मदीना क्या है, कहते हैं जब मैं हाजिरी देने जाता था तो एक बूढ़ी सी अम्मा मजदूर सी वो रूढ़ी के ढेर पे बैठी होती थी बाहर पीछे, कभी कभी वो नजर आती, वो सफाई कर रही होती सरकार के शहर की, वहां रूढ़ी भी नूर नूर की चीजों की होती है, कहते हैं वो वहां से पत्ते इकट्ठे कर रही होती, वो बैठी होती मजदूर सी बीबी, तो मैंने कहा या अल्लाह ये थोड़ी सी जगह इतने लोग आते हैं बस इतनी जन्नत है, तो कहते मैं हाजिरी दे के ना बड़े मुश्किल से सोचता जा रहा हूं, तो मैं अक्सर देखता था वो वहां बैठी होती थी सादी बीबी, कोई फल खा रही कोई चीज दे गया तो खा रही, कहते मैं उसके करीब से गुजरने लगा, कहने लगी या शेख, कहते मैंने रुख फेरा उसकी तरफ देखा तो कहने लगी अल मदीना तो कुल उम जन्नत, मदीना सारा ही जन्नत है, मदीना ये सिर्फ रियाजुल जन्नत ही जन्नत नहीं, मदीना सारा ही जन्नत है, तमाम नासर रजा साहब कहते हैं जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है, जिधर देखिए बागे बागे जन्नत खुला है, इसीलिए तो नजर में है मेरी नक्शो निगारे मदीना, कहने लगे जब भी तो मेरी आंखों में फिरते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फरमाने लगे कि चलो मुझे नहीं सदका मिलता, कहते हैं दुआलम में बटता है सदका यहाँ का, दुआलम में बटता है, कोई बंदा ये ना कहे कि मदीने आके तो मैं खाता हूँ हुजूर के नाम पे तो घर पे अपना खाता हूँ, दुआलम में बटता है सदका यहाँ का, हम ही एक नहीं रेजा खारे मदीना, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तखारे मदीना, नबी करीम अलैहिस्सलाम का शहर नूर, रब फरमाते ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम हो महबूब मुझे इस शहर की, या अल्लाह किस वजह से, फरमाया वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तू जो इस शहर में मौजूद है, महबूब तू जो इस शहर में, दो बातें कभी जिंदगी में नहीं भूलनी चाहिए, एक एहसास दूसरी कदर, एक एहसास, इस जमाने में सबसे कम जो चीज पाई जाती है ना वो एहसास, और लोग एहसास नहीं करते और कदर नहीं करते, नहीं करते ना एहसास करते हैं ना कदर करते, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, अपनी मर्जी की, बाद में दास्तानें सुनाते हैं बाद में, मुझे एक बुजुर्ग की बात बड़ी याद है, मैंने कहा हुजूर आप क्या महसूस करते हैं हमारा और गैरों का, फरमाने लगे फर्क कितना है, वो जिंदे को मानते हैं हम मरे हुए को मानते हैं, वो बैठे से फैज लेते हैं हम कब्र वाले से फैज लेते हैं, इतना फर्क है जिंदे और हम, जरा बाद में कायल है तारीफें करने के, सामने थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना उसका जरा अमली नमूना भी, एहसास, और मक्का जाने वाले और मदीना जाने वाले के दिल में पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि मैं जा कहां रहा हूं, मैं आया कहां, और फिर उसे कदर होनी चाहिए उस जगह की, यकीन करें हाँ हाँ ये ऐसा हो रहा है, बीसियों और दर्जनों लोग हैं इनको एहसास ही नहीं कि मैं कहाँ आया हुआ हूं, इनको कदर ही नहीं कि मैं पहुंच कहां गया हूं, कदर यहां होती है, आपने अपने दिल को समझाना है तो कदर होनी है, समझाना है तो कदर होनी है, हमें माँ बाप के बड़े लोग सबको पता है माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ताबेदारी के लोग करते क्यों नहीं, इसलिए कि अब्बा जी सामने बैठे हैं कितनी बंदा करे, हर वक्त सामने रहते हैं, कदर तो होती है ना, कभी कोई आया तो आओ भगत कर ली,
हमारा एक दोस्त है यहाँ वजीराबाद के करीब का, तो वो अल्लाह पाक ने मौका दे दिया, मदीना शरीफ चले गए पक्के ही, बस चलाया करेंगे, ज़ियारतें कराएंगे। खुश हुए ना आप लोग? कुएं बाप से खुश हुए ना? मैं नहीं हुआ। मैं क्या, तू चंगा नहीं किया, मैं नहीं हुआ। कहने लगे जी मैं क्या, तू किधरे हो रही ठीक से भाई? उसने कहा वजह, मैंने कहा वजह तुम्हें पता चल जाएगी। कहने लगे को नसीहत कर दे, मैंने कहा नसीहत ये है कि उस तरह करे ना जिस दिन तू पहले दिन आया था तो उस तरह का था, उस तरह करे ना, तुम्हें पता ही नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है मदीने जाओ, जिंदगी में हजार बार जाओ, लेकिन पक्का डेरा वो लगाया जिसका दिल हर वक्त ताजा रहता है, जिसकी तबीयत है। कोई नहीं समझ आ रही आप हजरात? मुझे कहने लगे जी आपने बात बिल्कुल सही की है, मैं जाता हूँ ड्राइवरों के साथ जब सीखने गया हूँ ना, तो कहते वो सामने मस्जिद कुबा है, ज़ियारत कराने ले जाते, कहते वो मस्जिद कुबा जाओ नफल पढ़ाओ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने घर से वुज़ू करे और मेरी मस्जिद कुबा में दो रखते पड़े, अल्लाह पूरे उम्र का सवाब अता फरमाएगा। तिर्मिजी में ड्राइवर बस से उतारता, कहते हो मस्जिद में जाओ नफल पढ़ाओ, तो तू भी पढ़ ला भाई, कहते मैं बड़े पढ़े। अजी ये बेकदरी हो जाती है, एहसास नहीं रहता जब आप पक्के आ जाते हैं, जब आपका मैं मुझे लोग कहते हैं कि इन लोगों को प्यार भी तो है ना मदीना तजिबा से, आप लोगों को ज्यादा प्यार है। मैंने कहा नहीं, ये इधर रहते हैं, इनका अंदाज आप किसी ऐसे शख्स से पूछ लें जो सऊदी अरब में यहाँ का गया हुआ रहता है, उसका अंदाज बदल जाता है। वो हरम शरीफ जब वहां जाते हैं, मक्का मदीना आ भी जाए तो मोटी सी उनकी हाजिरी होती है, मोटी सी, बाद में कमरे में लेटे रहते हैं। कदर एहसास यहां से जाने वाले को इसलिए होता है कि वो दर्द से जाता है, वो सोच से जाता है। वहां जो लोग कयाम फरमा है उन्हें मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 53 साल गुजारे मक्का मुकरमा में। अल्लाह करीम आपको हुजूर की जालियों की हाजिरी नसीब फरमाए। आप रसूल पाक की जालियों के ऊपर खड़े होंगे ना, तो एक एक वजीफा हुजूर की जालियों पे लिखा है अरबी रस्मुल खत, वो जाली इस तरह की बनाई है कि वो वजीफा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन, ये कलमा लिखा है हुजूर की जालियों पे, सारी जाली पे सामने बिल्कुल मवाजा के साथ यही लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अलग बात है, हम इस तरह कलमा पढ़ते तो बिद्दत का फतवा आ जाता, अलग बात है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, लेकिन वहां लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन, ये कलमा लिखा है जालियों के ऊपर। मक्का मुकर्मा के अंदर 53 साल जिंदगी के अंदर हुजूर ने वक्त गुजारा, हर आदमी सादक कहता था, अमीन कहता था, मेरे महबूब की तारीफ करता था। जाती रिसालत माँ पर जाती तौर पर कभी कोई शख्स कोई इतराज नहीं कर सका, जाती निजी जिंदगी पर किसी ने कभी कोई माज अल्लाह इतराज कोई था ही नहीं, तो इतराज करता कैसे। लेकिन मेरे भाई समझने की बात यह है कि उन्होंने सारी जिंदगी सादक भी कहा अमीन भी कहा, लेकिन गुलाम बनने को तैयार नहीं हुए। गुलामी मुश्किल काम है, ताबेदारी, गुलाम बनने को तैयार नहीं था। जनाब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सादक भी है अमीन भी है सब कुछ है, लेकिन गुलामी को तैयार है। मदीने वालों का कमाल यह है कि ये गुलामी के लिए तैयार हो गए, गुलामी के और पक्की गुलामी। हुजूर ने फरमा दिया था खलीफा कुरैश से होगा, एक दफा भी मदीने के किसी शख्स ने हाथ खड़ा करके नहीं कहा कि हमारा भी तो नंबर लगना चाहिए ना, यहाँ लोग सियासतें नहीं लोग रोज चमकती कि हमारे शहर का भी हक है, हमें भी नुमाइंदगी मिले, हमें भी नुमाइंदगी मिले, लोग रोज बातें करते हैं, होती हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक कहां से आए थे? मक्का से। दूसरे हजरत उमर फारूक मक्का से, हजरत उस्मान गनी मक्का से, हजरत अली, हजरत अमीर माविया, इमाम हसन, जितने लोग भी बाद में आए सारे मदीने वालों का एक ही ऐलान था, हमारा काम गुलामी करना है हम गुलामी करेंगे, हमारा काम ताबेदारी करना है हम ताबेदारी करेंगे। आमिना के लाल महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेने पहुंचे, जब मदीने के लोग मक्का मुकर्मा हुजूर को लेने गए तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्के वालों मुझे ले जाना कोई आसान तो नहीं, ये जितने लोग हैं ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आएंगे तुम्हें तकलीफ देंगे, तुम्हारे बच्चे कुर्बान हो सकते हैं, तुम्हारी बीवियां बेवा हो सकती हैं, एहतियात ले जाओगे कर लोगे दिलेरी। अहले मदीना में से एक सहाबी कहने लगे हुजूर बेदबी न समझे तो एक छोटी सी बात करनी है, ज्यादा नहीं हुजूर छोटी सी बात। मेरे वीर ने फरमाया कर लो, तो कहने लगे या रसूलल्लाह आप एक वादा करें, आप मदीना छोड़ के तो नहीं आएंगे हुजूर, एक एक गुजारिश करनी है, बेदबी ना समझे तो आप छोड़ के तो नहीं आएंगे। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं भाई, तुम्हारे साथ वादा रहा, जब तक जाहिरी तौर पर जीऊंगा तुम्हारे साथ जीऊंगा, और जब दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र भी मदीने में ही बनेगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो सहाबी जोश जज्बात में उठे, जोश जज्बात में
और इमाम यूसुफ साली कहते हैं जब उठे तो उनकी पगड़ी जो सर पे उन्होंने बांध रखा था रुमाल वो जमीन पे गिर गया और अपने हाथ को हरकत देते कहते हुजूर उठिए फिर चलिए उठिए फिर चलिए उठिए फिर चलिए। या रसूलल्लाह बच्चे यतीम नहीं कराएंगे, आप अगर मदीने आ जाएंगे तो हम सारी औलादे आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे, हम निछावर कर देंगे, आप चलिए। मदीने के लोगों ने वफा की तारीख रकम की, तारीख अहले मदीना ने हमेशा प्यार किया मेरे रसूल पाक से। फतेह मक्का हुई ना, इलाकों से बंदे को हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम फतह मक्का हुआ तो हुजूर अपने गुलामों को साथ लेकर के जाते अहले मदीना को, यहाँ मैं खतीजा को ब्याह के लाया था, जहाँ मेरी अम्मा अमना का घर होता था, यहाँ फलां फलां हजरत रहते थे, यहाँ अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा था। नबी पाक शहर की बातें बताते, कुछ पुरानी बातें याद करते तो हुजूर की आंखें आंसू भी बरसाती। मदीने के लोग थोड़ा 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 अपनी तवज्जो तकसीम करने लगे, अर्ज करने लगे हुजूर अगर आपका दिल करे ना तो आप रह जाए, मक्का फतह हो गया, अगर दिल करे तो हुजूर हम देख रहे हैं आपको बड़ा प्यार है, आप तो गलियों में घूमते हैं, आप तो मदीने की एक एक शहर से, मक्के की एक एक शहर से, दिल करे तो रह जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं हो मेरे बोलो, रहना नहीं, अब मैंने जीना मरना तुम्हारे साथ ही है, रहना वही है। आमिना के लाल ने मदीने से मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया था, एक शहर अंसरीन नाम का होता था, खुदा जाने अब उसका क्या नाम है, किताबों में अंसरीन नाम मिलता है, बहरीन के साथ था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इख्तियार दिया, कहा महबूब चाहे तो अंसरीन चले जाएं, चाहे तो बहरीन चले जाएं, और चाहे तो यसरब चले जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे वहां भेज जो तुझे प्यारा है, वहां भेज जो तुझे प्यारा है। तो रब करीम ने फरमाया महबूब फिर आप मदीने चले जाए, फिर मदीने चले जाए। अल्लाहुम्म हब्बिब इलैना अल-मदीना तकहब्बिना अल-मक्का वशद्द। हुजूर ने दुआ फरमाई ऐ अल्लाह मुझे मक्का बड़ा प्यारा था, अब मुझे मदीना मक्के से भी ज्यादा महबूब बना दे, अब मुझे ज्यादा महबूब कर दे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, हुजूर ने पहले सहाबा को इजाजत दी, फरमाया भाई इजाजत मिल गई है, अब तुम में से जिसका दिल चाहे वो हिजरत करनी शुरू कर दे, मैं भी मुनासिब मौके पे आऊंगा। सबसे पहले हजरत अबू सलमा निकले, सहाबा बहसियत सहाबी, नबी करीम से भी पहले बहसियत सहाबी, जो मक्के से चल के सबसे पहले मदीना तय्यबा आए वो हजरत अबू सलमा थे, जनाब उम्मे सलमा के शौहर, इनके एक बेटे थे मोहम्मद सलमा उनका नाम था। जाग रहे हैं आप हजरत, हजरत जनाब सैयदना अबू सलमा कहते हैं जब मैं आया ना, असल में ना कदर होती तब है जब कोई धक्के खा के मदीने जाता है, उनको धक्के खा के जाता है, जो बड़े आराम से सुकून से चले जाते हैं ना, कहते हैं वो मैं पहुंचा, अब चूंकि बड़ी आसानी हो गई है, लोग पैसे के बलबूते पे जाते हैं, पर अब देखा मेरी तरह जिसके कुछ फेरे ज्यादा हो जाते हैं उसकी कदर भी थोड़ी कम हो जाती है, उस तरीके का लोग अंदाज इख्तियार नहीं करते जो कि वहां होना चाहिए, जो धक्के खा के जाता है, अजियत बर्दाश्त करके जाता था, जो तकलीफ में जाता था, वो फिर उसकी गलियों को चूमता था, वो होटल में सोया नहीं रहता था, वो फिर मस्जिद में वक्त गुजारता था, वो फिर वहां जाके इमो चला के और वो फलां चीज चला के वो डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे छह छह घंटे गप्पों पे वक्त थोड़ी गुजारता था, उसको फिर तस्वीरबानी का शौक नहीं होता था, बल्कि वो मस्जिद में बैठ के महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता था, वो काबतुल्लाह के तवाफ करता था, वो कुरान पाक की तिलावत करता था, वहां हाजिरी देता था, जो जाते थे मुशक्कत बर्दाश्त करके उनके अंदाज और होते थे। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मुझे इज़्ज़त मिला मैं निकला, बीवी साथ है, और इतनी मोहब्बत लोग मिसाल देते थे मियां बीवी के प्यार की, बड़ा प्यार था, एक साल के एक बेटे हैं, फरमाते हैं जब हम निकले मक्का मुकरमा से तीनों, मैं मेरी बीवी मेरा बेटा रस्ते में थे, मेरे खानदान वाले भी आ गए, मेरे बीवी के खानदान वाले भी आ गए, आके हमें रस्ते में रोक लिया, मेरी बीवी के घर वाले कहने लगे तूने जाना है तो जाओ, ये हमारी बेटी है ये नहीं जाएगी। मैंने कहा मेरी बीवी है वो मेरे साथ जाने को तैयार है, कैसे रोक सकते हो? कहते उसको क्या पता वो तो माशाल्लाह नादान है बेवकूफ है, हम नहीं जाने देंगे। कहते जबरदस्ती जबरदस्ती, मेरे भाई ये कदर वाले लोग थे, कहते जबरदस्ती मेरी बीवी को जुदा कर लिया साइड पे, ये नहीं जाएगी। फरमाते मासूम बच्चा मेरी गोद में, मेरी एक नजर बीवी पे एक बच्चे पे, कहते थोड़ी देर गुजरी तो मेरे घर वालों ने मेरी गोद से मेरा एक साल का बच्चा छीन लिया। औलाद कमजोर कर देती है, औलाद बुजदिल कर देती है। हजरत अबू सलमा कहते हैं मेरा बेटा छीन के ले गए, कहने लगे तूने जाना है तो जा, ये हमारी नस्ल है, हमारी औलाद है, हमारे खानदान का चश्मो चराग है, हमको नहीं जाने देंगे। कहते हैं दोनों का ख्याल था कि बीवी भी रख ली है, बच्चा भी रख लिया, अब तो रह ही जाएगा ना। फरमाते मैं घोड़े पे बैठा, मेरी बीवी कहने लगी इसे बड़ा प्यार है मुझसे,
इसे बड़ी मोहब्बत है बेटे से, लेकिन मैं गवाही देती हूँ कि मेरा शौहर सबसे बढ़कर आमिना के लाल से मोहब्बत करता है। ये सबसे बढ़कर रसूल कायनात से प्यार करते हैं। ये नहीं परवाह करेंगे, ये जाएंगे ही। कहते मैं घोड़े पे बैठा, अब पक्की सड़क है, तेल बस चलती है और 550 किलोमीटर का सफर है, रास्ता भी कोई नहीं, पहाड़ी इलाका। हजरत अबू सलमा कहते हैं मैं मक्के से घोड़े पे बैठा मदीने आया, लेकिन सारे रास्ते मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने औलाद बीवी घर बार मदीने की मोहब्बत पे निछावर कर दिया, मैं छोड़ छाड़ के आया सारा कुछ। फरमाते एक पूरा साल जुदाई रही, पूरा साल ना मैं बेटे से मिल सका ना बीवी से मिल सका, सारा कुछ होने के बावजूद जुदाई रही। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते साल के बाद मेरे एक चचा को तरस आया और वो मेरे वालिद से कहने लगे, मेरे बेटे को ले गए कि क्या गलती है इस बच्चे की, मासूम को जुदा किया हुआ है। वो मना के मेरे बच्चे को माँ के पास ले गए, जब बच्चा मिला माँ से तो माँ रोई, फिर उन्होंने अपने भाई से कहा मेहरबानी करो, साल हो गया तुमने आजमा तो लिया है, वो मदीना कोई नहीं छोड़ेगा। मेरे नबी करीम के कुछ गुलाम कारोबार की नियत से मदीना छोड़ गए थे, हुजूर ने फरमाया अल-मदीना तो खैरुल्लहुम लौ कानू यालमून, इनके लिए मदीना ही बेहतर था, काश ये समझते इनके लिए मदीना ही अच्छा था। अजब रंग पर है बहारे मदीना की सब जन्नते हैं, निसारे मदीना, इनके लिए मदीना ही बेहतर था अगर इस बात को समझते। आमना के लाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम एक साल के बाद आप फरमाते मेरी बीवी के भाई को तरस आया, कहने लगा ठीक है अगर तू भी जाना चाहती है तो ठीक है जा, हमारी तरफ से जहां तेरा दिल करे। घोड़ा दे दिया, कुछ ज्यादा ना दे के बीवी और बच्चे को बिठा दिया। हजरत उम्मे सलमा कहते हैं मैं अकेली चली मक्के से, अकेली चली मदीने की मोहब्बत में, अकेली बेटा लेके, लेकिन फरमाते खुश मैं इतनी थी जितनी उस दिन खुश हुई थी जिस दिन मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा था। फरमाते उस खुशी के तसव्वुर से मैं चली और जब मैं मदीने की राह पे निकली तो उस्मान इब्ने मज़ऊम से मुलाकात हो गई रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते इतनी खैर वाला जवान मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा मैंने नहीं देखा, इतना नजर और तबीयत का पाक मैंने नहीं देखा। सैकड़ों मील का सफर किया घोड़े की लगाम पकड़ के, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक की तरबियत पे, सैकड़ों मील का सफर मेरे साथ किया है, एक बार भी नजर उठा के मेरा चेहरा नहीं देखा, एक दफा भी। कहती हैं मैं खाने का मुतालबा करती तो बिठा के चले जाते और दूर खाना रख के जनाबे उस्मान इब्ने मज़ऊम निकल जाते, कज़ाए हाजत की बात करती तो मुझे बिठा के दौड़ लगा देते। फरमाते मुझे मदीने लाए, हुजूर भी पहुंच चुके थे, शौहर की मुलाकात हुई, बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। फरमाते बड़ा रोए, तीनों हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सलमा सुन, अगर तेरी तकलीफ और सबर सबसे ज्यादा है तो मेरा अल्लाह अजर भी तुझे ही सबसे ज्यादा अता फरमाएगा, अल्लाह सबर पर तुझे अजर भी ज्यादा देगा। और फिर मेरे महबूब ने फरमाया तूने मदीने की जानिब हिजरत की है सबसे पहले, अब जितने लोग हिजरत करेंगे उन सबके बराबर अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा, सबके बराबर अल्लाह तुझे नवाजेगा। मेरे भाई अजियतें बर्दाश्त करके, तकलीफें सह के, अजियत बर्दाश्त करके लोग पहुंचते हैं। लेकिन ना बूढ़ा आदमी, हमारे लोग सादे होते हैं, देहाती होते हैं, पहली दफा मुल्क से निकलते हैं, ये नहीं पता जहाज में किस सिमत जाना है, किस तरह बैठना है। वो कहते हैं बाबा जी जाइए वेटिंग रूम में बैठिए, बाबा जी पूछते हैं वो क्या होता है, वो किस तरह की चीज होती है, वो कैसे उसमें जाए। इधर बेटा भी ये सांझ जतला रहा है, मैंने अब्बा जी कमरे पे भेजा है, ये तो तीनों निकम्मे हैं बाकी के भाई, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने भेजा है अपने पैसों से, भाई तेरे वालिद है तूने भेजा है तो कौन सा तूने कमाल कर दिया, तेरे वालिद नहीं, इधर ये सांझ जतला रहा है। उधर बुजुर्ग गए हैं बेचारे बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, नहीं पता बोल्डिंग कार्ड क्या होता है, वो कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ, जुबान की खबर नहीं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े धक्के हैं। जब उतरे हैं जद्दा एयरपोर्ट पर तो वहां इमिग्रेशन के मामलात हैं, फिर पता नहीं कंपनी की बस आई है कि नहीं आई, वो पूछते हैं आपका शिरका कौन सा है, खुदा जाने शिरका तुम किसको कहते हो, किस किस तरह से लोग पहुंचते हैं। फिर वहां जाके एजेंट ने बताया कुछ था, मिला कुछ है, बड़ी तकलीफ सही, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन जब हाथ बांधे ना हुजूर के रोजे पे खड़े होके, जब दरे रिसालत पे हाथ बांधे तो पता नहीं इस बूढ़े बीमार को किसने तसल्ली दे दी, ये खोल के रोया है और कहता देखो मेरे नसीब, देखो मेरे नसीब, आज दुनिया में अगर किसी पे किस्मत रश्क करती है तो मेरे ऊपर कर रही है, उसको सारा दर्द भूल गया है, सारी तकलीफ भूल गई है, सारा कुछ इसे हो गया और फिर खोल के रोया, जाते भी रोया है, पलटा है तब भी रोया है, जिस रात दरवाजा रसूल पे आया है उसी वक्त रोया है, जब मौका मिला है तब भी रोया। एक बुजुर्ग मुझे कहने लगे हजरत जी कभी तो 5 मिनट मिल जाते हैं, कभी फटाफट ही धक्का दे देते हैं,
कभी 5 मिनट मिल जाते हैं, कभी ये फटाफट ही धक्का दे देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ खैरात बटती है, इनके धक्के ना देखा करो, कर्म देखा करो, यहाँ खैरात बटती है। जब तो लाइन लंबी होती है ना, तो आपका नंबर आने में 5 मिनट लगते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 मिनट मिल गए। तो कई दफा मैंने कहा आते झोली भर दी जाती है, तो कहते हैं तेरी भर दी है, तू जाओ दूसरे को आने दे। तो मैंने कहा अपनी तवज्जो अपनी सिमत तकसीम करो, ये देखो कि झोली भर दी गई, अब कहा निकलो निकलो, अगर दोबारा लेना है तो ऊपर से होके फिर आ जाओ। ये दरवाजा ऐसा है जहाँ ये नहीं कहा जाता तेन लोगे भी दिता सी, यहाँ जितनी बार जाओ जिस तरह जाओ जिस रंग में जाओ जो लेने जाओ वही अता किया जाता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम के शहर नूर की एक मुझे रात को कहने लगा, हम लोग जरा लोगों को तो मिलता है ना किसी जरिए से सरकार का सदका खाते हैं, हम लोग जो होते हैं हम डायरेक्ट सरकार का सदका खाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं, सीधा सीधा। इज्जतें भी हुजूर के नाम पर, शाने भी नबी पाक के नाम पर, मौजे भी सरकार के नाम पर, हर शायद डायरेक्ट मिलती है हमें। तो हमारा जरा अंदाज भी और किस्म का होता है। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वह मोहम्मद मोहम्मद फकीदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद फकीदे। एक साहब मुझे कहने लगे, तुम तो गेट जी गए हो तुम तो, मैं क्या और तर्जमा कर लाया, आ तो हम बड़े ही सदे आने लग पाए। मैंने कहा ये वाला कर लेना, ये भी तो एक तर्जमा है ना, ये भी तो एक बनता है ना, इस तरह का कर ले, इसमें क्या हर्ज है, ये भी क्या है, मीरां दी गल ना फकीरां दी गल, मदीने तो जाना। तो मैंने कहा ये वाला भी तो तर्जमा हो सकता है ना मियां, ये वाला कर ले, इसमें तुझे क्या इतराज होता है, ये भी तो देखना कि कर्म की बात है। कई दौलत वाले रह जाते मिस्कीन नजारे कर दे, ये भी तो देखना कर्म की बात है। लोग लिए बैठे हैं लाखों करोड़ों रुपया जेबों में, तौफीक नहीं उम्मीद, ये तो कर्म है रब करीम का, जब चाहता है जिस वक्त चाहता है जिसको जिसको चाहता है चुन के ला खड़ा करता है। और फिर एक और बात भी है, मदीने जाके भी पैसे लगा के भी कईयों को तौफीक नहीं होती, मवाजा शरीफ पे नहीं जाते, अंदर नहीं जाते, उन्हें तौफीक ही नहीं, वो आने ही नहीं देते दाखिल। 313 मुनाफिक भी थे ना नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन मुनाफिक के हुजूर की तरबियत में तो कमी नहीं थी ना माजल्ला, रसूल पाक के फैजान में कोई कमी, हुजूर की तकसीम में कोई कमी, वो चूंकि मुनाफिक थे तो लिहाजा मुनाफिक के मुनाफिक ही रहे, उन्हें कुछ नसीब अंदर निफाक था। तो मेरे दो आंसू निकल गए, इतना दर्द वाला तो नहीं हूं तो निकल गए खड़े। तो मेरे पास आया, कहने लगा मौली तू कब से खड़ा है यहाँ, उर्दू स्पीच था कब से खड़ा है, हुजूर की जो मोहब्बत है वो इत्तेबा में है, रोने में तो मोहब्बत नहीं। तो मैंने कहा वैसे सच बताए रोने में मोहब्बत नहीं, रोने में मोहब्बत है। और मैं कैसी थे अपने मुंडे नूह की गलती तो चार चंडा मार के दूजे कमरे रोन लग पी, मोहब्बत होती है ना, वालिद मारता है बेटे को उसकी गलती पे, बाद में खुद रोने लग जाता है। असल बात क्या है कि बेटे से हम तो बच्चे की मोहब्बत में उसको सजा देते रो पड़ते, रोना मोहब्बत नहीं, कहने लगा जी रोने में भी मोहब्बत है, रोने में भी मोहब्बत है तो सही। मैंने कहा मानते हो, मैंने लगा हाँ। तो मैं क्या फिर दो ही रोइए, इधर आ है ना मोहब्बत, इधर आ दोनों मिलकर रोते हैं, आ जा तू भी आ, लेकिन तू रो सकता तू नहीं रो सकता, उसकी वजह यह है कि तू यहाँ हाजिरी देने नहीं आया, ड्यूटी करने आया है, तेरा और मेरा फर्क है, तू ड्यूटी करने आया है और मैं हाजिरी देने आया हूँ, तू ड्यूटी करने आया और मैं खैरात लेने आया, तू समझता है मैं साहब हूँ यहाँ खड़ा और मैं समझता हूँ मैं गदागर हूँ, साहब और गदागर में फर्क होता है। तो मैंने कहा ये फकीरी है ये गदागरी है, गदागर ने रोना ही होता है। और फिर मैंने कहा तू नेकोकार है तू कैसे रोएगा, और मुझे तो पता है ना, पता सारा है सरदार ने कीतियां ना, मुझे तो खबर है ना, मन ना शेख साजी कहते मन आनंद के मन दानंद, जो मैं हूं उसका मुझे पता, तो मुझे तो नजर आ रहा है, मुझे तो अपना सारा चिट्ठा नजर आ रहा है, खबर है कि क्या हूं, याद माजी अजाब है यार, तो मुझे तो खताएं एक एक करके नजर आती है, तो मैं तो बख्शवाने आया हूं, तो साहब होगा बड़ा तू कैसे रोएगा मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम। और फिर ये चंद लोगों की बात है, चंद लोगों की माज अल्लाह, चंद लोगों की जो वहां बैठ के मस्जिद नबी में भी कहते हैं माज अल्लाह, नबी पाक के रोजे पे आते हो तो हुजूर के लिए दुआ किया करो अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह, जो वहां बैठ के भी अब्दुल्ला बिन नबी सलोल वाला अकीदा बदल नहीं सके आज तक, आज तक वहीं अड़े हुए हैं कि नबी पाक के लिए दुआ करें। एक घंटा पूरा इसी तकरीर पे लगा दिया कि बकी को जन्नत नहीं कहना चाहिए, बकी को जन्नत है ना, जन्नतुल बोलिए जन्नतुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कब्रिस्तान से 70,000 मुर्दे ऐसे उठेंगे जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लगा, बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमाता। कितने जी जन्नतुल, कहने लगे इसको जन्नत नहीं कहना चाहिए, खाली बकी कहे, हुजूर ने नहीं कहा जन्नत। मैंने कहा है तुझे गलती लग रही है, जन्नतुल बकी में हजरत आयशा सिद्दीका लेटी हुई, जन्नतुल बकी में हजरत उस्माने गनी आराम फरमा, जन्नतुल बकी में इमाम हसन लेटे हुए,
जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन है, जन्नतुल बकी में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ है, जन्नतुल बकी के अंदर हजरत अबू हुरैरा है, जन्नतुल बकी के अंदर अबू दर्दा है, जन्नतुल बकी के अंदर सैयदा सौदा है, सबसे बढ़कर सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तज़्ज़हरा। आपकी गर्दने झुक गई ना नाम सुन के, झुक गई ना गर्दने हजरत सैयदा। ओ भाई यहाँ गर्दने झुक गई बीबी का नाम सुन के, वो बीबी साहिबा जन्नतुल बकी में लेटी हैं। और मैंने कहा तू पागल हो गया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, फरमाया जो कामिल मोमिन हो उसकी कब्र जन्नत का बाग होती है। तो हजरत आयशा की कब्र जन्नत नहीं, हजरत उस्माने गनी की कब्र जन्नत नहीं। उठाए तिर्मिजी पढ़े अबू दाऊद, अल कब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से, आम मोमिन की कब्र जन्नत का बाग है। तो उस्माने गनी की कब्र जन्नत नहीं, हजरत जनाब इमाम हसन की कब्र जन्नत नहीं, बीबी सय्यदा फातिमा तज़्ज़हरा जो जन्नती नहीं सिर्फ, मेरे नबी ने फरमाया मेरी फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, जो जन्नती औरतों की सरदार जहां लेटी है वो जन्नती नहीं। और जिसको मेरे नबी ने तीन दफा जन्नत दी, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान, तीन दफा हजरत उस्मान गनी को जन्नत मिली, उस उस्मान गनी की कब्र जन्नत नहीं। और इमाम हसन के बारे में फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदु शुबाब अहले जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, तो वो जगह जन्नत नहीं जहां वो आराम फरमा है। अजीब तेरा अंदाज है, अजीब तेरा तरीका है, अजीब तेरा। और फिर ये चंद लोगों की बात है, अकीदत मंदों का क्या हाल है। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूं, मेरे दोस्त जानते हैं चाय की। तो मैंने ना एक शख्स रखा हुआ है, मुझे पता है रात को कहां बैठता है, चाय कहां लेके आता है, कई जमाने से पता है। कभी कभी तना आ जाता था, कभी कभी किसी, इस दफा मैंने कहा चलो जितने आए हैं सारे ही चले। हम लोग पहुंच गए, वो सूडानी आ गए, सूडान का रहने वाला, तो वो रोज शाह के बाद ना कई सौ आदमियों के लिए चाय पका के लाता है। उसने बैठना होता है हुजूर के मस्जिद की जो बाउंड्री जहाँ खत्म होती है ना, मस्जिद नबी की जाली लगी हुई है जहाँ, उसके बाहर वाली साइड पे ना गुम्बद के बिल्कुल सामने गुम्बद खजरा वहां नजर आता है, उसने वहां बैठना है। रात को चाय लाएगा, कई बड़े बड़े वो भर के, नहीं थरमास नहीं, कूलरों में चाय लाता, बड़े बड़े कूलर, हमाम जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, सैकड़ों आदमी चाय पीते। तो मैंने कहा यार एक मैंने दाद अपे वाली जगह रखी हुई है, चलो हजरात चले वहां पहुंचे। चाय बड़ी मजेदार थी, बड़ी लजीज चाय, बकरियों के दूध की, सुन्नत है ना सरकार की बकरी पालना, बकरियों के दूध की चाय। तो एक कप उसने दिया, तो मैं खेल को एक और देवे ने दे झंडा दे, दो पिए तीन पिए, चेहरे चमक रहे हैं, वो हंस रहे हैं, तो कोई गवाही हो रही है कि ठीक पे आने में। तो साथ ही चाय पी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, वो दिलचस्पी थी उस शख्स के साथ। और वो शाह की नमाज खत्म होती है, आ जाता है वो, सूडान का रहने वाला है, उसको मैं अक्सर पूछता हूँ तेरा शुगर क्या है, कहते माफी शुगर ईना शुगर, यही शुगर है जेडे काम लग गया, बस सरकार के मेहमानों को चाय पिलाता हूँ। और वो कई कई घंटे बैठ के ना वो तस्बीह करता है और दुरूद शरीफ पढ़ता है। हमें उसने देख लिया, मुझे कहने लगा आप शेख लगते हैं, मैंने कहा नहीं वो आप समझ गए हैं, वरना पगड़ी शगड़ी बांधने से आप महसूस कर गए होंगे मैं सादा आदमी हूं, कोई ऐसी बात नहीं। कहने लगा नहीं कोई नाच सुनाए, तो वो अरबी है, हम उर्दू और पंजाबी जानने वाले, तो जितनी नाते अरबी थी चंद, बोला जामी नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन बाहवालम मोहम्मद राखब। और एक फिक्रा मुल्ला जामी का और भी है, वो कहते हैं गरीबम बेसहारा खाक सारम या रसूल निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। तो एक लफ्ज बड़ा हसीन है जो गुंबद खजरा पे पहुंच के उन्होंने पढ़ा था, कहने लगे गुनाहगार शर्म सारम, गुनाहगार भी हूं शर्म, फारसी और अरबी में गुनाहगार भी हूं और गुनाहगारम शर्म, बाहर उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह, हुजूर गुनाहगार हूं शर्मसार हूं पर उम्मीदवार भी हूं, क्या आपने माफ भी करना है। और वो एक वो पढ़ी, फिर मैंने कहा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ लो, अब इसको और भी समझ आएगी। तो मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन, तो एक शेर मैं पढ़ता तो उसे अगला वो शुरू कर देता, फिर एक मैं पढ़ता तो उसे अगला वो शुरू कर देता, वो देर तक महफिल जमी रही। अब हम चूंकि अजमी लोग हैं, अरबी तो है नहीं, उसके बाद शेख सादी को पढ़ने लगे या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुव्वर अल हजरत अबू तालब की लिखी हुई एक रुबाई है अरबी में, वो बाल लंबी हो जाएगी, चंद मैंने वो पढ़ी। बाबा जितनी गुंजाइश थी, जो कुछ उस वक्त माँ हाजर था मुस्ताजर था जेन में, वो पढ़ा। तो जो है आप
कभी कभी बात बनी होती है, तो बात बनी हुई थी, महफिल जम गई। कहने लगा और सुनाए। मैं क्या हूं, साड़ी अरबी खत्म हो गई, इन्नी सी अब उर्दू रह गई है और पंजाबी रह गया, तो तुझे कोई नहीं समझ आएगी, तो हम पढ़ देंगे, लेकिन वो जितनी हमारे पास थी ना, बाला गालू गुलाब दे कमाल ही कशफत दुजावे जमाल ही हसनत जमीयो। मैं जरा किताबों से मेरा तल्लक है, तो मुझे कुछ चंद लफ्ज ज्यादा आते थे। मैंने कहा जी वो हमारी अब खत्म हो गई है साहब, अब हमारे पास उर्दू पंजाबी बची है, तो तुझे क्या समझ आएगी। आप यकीन करें, एक जुमला उसने कहा, जान ही निकाल के ले गया, एक जुमला एक लफ्ज। उस तरफ बैठे हुए हैं, इस तरफ कुछ चेहरे हैं, सामने हुजूर का गुंबद है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं आती, जितनी आती थी पढ़ दी। पता क्या कहता है, कहता पढ़ो पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। मैंने कहा नहीं आती, तो जज्बात में आ गया। कहने लगा पढ़ो, माफी मालूम हीना मालूम। कहता मुझे समझ नहीं आती, वो जो सुन रहे हैं उन्हें सारी समझ आती है, उन्हें सारी समझ आती है। रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ा दियां बोलियां। लगा उन्हें समझ आ रही है, मुझे छोड़ो, हमको मुझे मुझे सुनाने आए हो, सुनाने तो रसूल पाक को आए हो सल्लल्लाहु। कहने माफी मालूम हीना मालूम, उसे सारा ही पता है, उनकी बारगाह में पढ़ो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा शेख यहाँ बहुत लोग नाथ सुनते हैं, बहुत लोग। तो कहने लगा तुमने तो टोली देखी है ना, टोली देखी है। अगले दिन मैं गया तो पास ही बिठा लिया। मैंने कहा बड़े लोग नाथ सुनते हैं, ये तो नहीं सुनते जो चंद अंदर खड़े। कहने लगे ये टोली है, बाकी सारा मदीना नाथ सुनता है। तुमने टोली देखी है, हमने टोले देखे हैं, रोज महफिलें होती हैं, रोज यहाँ सरकार की नाथ खानियां। कहने लगा मुझे नहीं समझ आती, लेकिन जिनकी पढ़नी है उन्हें मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत की कैफियत, हुजूर के शहर का रंग, हर तरफ रोशनी, हर तरफ नौरानियत। इस दफा सख्त सर्दी थी, रात को मेरी तरह के नाजुक मिजाज लोग एक स्वेटर उसके ऊपर एक चादर, बड़ी ठंड फिर भी महसूस होती थी, पहले पैर जलते थे। इस दफा ठिठरता मौसम था, मैं सोचता था शायद रात को लोग कम निकला करेंगे, लेकिन बस जिधर जिधर देखते थे नूर ही नूर था। सर्दी है या गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी का माहौल भी वहां देखा, और इस दफा बड़ी सख्त सर्दी देखी, पर चारों तरफ नूर बरसता देखा, चारों तरफ रोशनी बरसती देखी। लोगों को देखा अकीदों की ताजगी करते, लोगों को देखा। एक साहब मुझे कहने लगे, एक सफर में हम लोग निकले बाहर, तो उसने बिठा लिया। कहने लगे ये तुम क्या कर रहे थे, तो कहने लगे सलाम। मैं बाहर निकले ना, तो आदत होती है, अल्लाह ने हमारे लबों पे हमारी नस्लों की जुबानों पे जारी करा दिया है। बाहर निकले सलाम करके, तो बार बार कर रहे थे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कैसे बोलिए, ये हमारा वजीफा ना, ये हमारा वजीफा है। क्या वजीफा है, या ये लफ्ज अदा कर रहे थे। तो उसने खड़ा कर लिया, कहने लगा इधर आओ, ये क्या कह रहे थे। मैंने वुजू करना था, मैंने कहा साहब आप लेक्चर सुन ले, मैं वुजू करके आया। गुज़श्ता दफा की बात है, वो बड़े सियाने आदमी थे हमारे, टूर ऑपरेटर भी थे, वो सुनने लगे उसकी बात। जब तक मैंने वुजू करना था, तब तक उन्होंने लेक्चर सुनना था। उसने पूरी तमहीद दी, खुदा जाने आयतों का क्या क्या मतलब बयान करता रहा, मैंने तो सुना नहीं। मैं लौट के आया, कहने लगे मौला बात मुकम्मल हो गई आपकी। कहने लगा जी हो गई है। कहने लगे ठीक है, इजाजत है। उसने कहा समझ गए हो, कहा समझ गया हूँ। सलाम ली तो निकलते हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो कहते तेन की समझ आई, कहते मैनू तो नहीं समझ आई, तेन ही आ जानी चाहिए, तू ही समझ जा बात। ये जो नारा है ना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये तब्दील हो सकता, और यहाँ आके तो पुख्ता होता है, इसलिए कि हमें तो ये सारी फिजा कहती हुई नजर आती है या रसूल अल्लाह। आप हुजूर के गुंबद पे देखें तो चांद भी साइड से होके गुजरता है, एक साइड से होके गुजरता है, हवा चलती है ना, जब हवा तेज हवा चलती है, और कई दफा लगता है कि जन्नतुल बकी की जानिब से गुबार उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, तेज हवा है, छा गया चारों जानिब गुबार, लेकिन आप कान सारे खोल लें उसके अंदर भी आवाज कोई नहीं होती। मोटे मोटे दाने मिट्टी के उड़ते नजर आएंगे, गिरते नजर आएंगे, सफाई वाले दौड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर भी कोई आवाज है। दाना जमीन पे गिरेगा तो उसकी भी आवाज है। मैं अपने हजरत के साथ जब हाजिर था तो जूते बाहर रखते थे ना मस्जिद से, लोग थैलियों से निकाल के, तो लोग जूता नीचे फेंकते हैं, तो फरमाते थे फेंकना नहीं, नीचे करके रखो। ऐ पाए अदब ऐ पाए नजर होश में आ, ये कुवे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना तैयबा हाजिर हुआ करते थे ना, तो ख्वाजा साहब के हालात में लिखा है, बड़ा तड़पते थे, एक लफ्ज भी जुबान से अदा नहीं करते थे। जितनी देर गुंबद के सामने खड़े रहते थे रोते ही रहते थे, तड़पते ही रहते थे, आहें बढ़ते रहते, बोलते नहीं थे, बस रोना ही रोना, रोना ही रोना। एक दिन लोगों ने कहा कि जनाब हद हो गई है, इतना भी आखिर क्या हुआ। लोग कह देते हैं ना कि इसको ज्यादा इश्क हो गया है, ऐसे कम ही लगा रही।
ज्यादा हो गया, हमें भी तो मोहब्बत है, और भी तो चीजें देखनी चाहिए, यही काम रह गए। तो इतराज किया लोगों ने, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे यार असल बात और है, तुम्हारी कोई और भी दिलचस्पी होगी, तुम्हारा कोई और रंग होगा, लेकिन मेंढा इश्क भी तू, मेंढा इश्क भी तू, ते मेंढा यार भी तू। और अगर आप उन लफ्जों पे गौर करें, मैं एक तशरीह, एक आदमी ने पीएचडी की है ख्वाजा गुलाम फरीद पे, गलती हो गई उसको, उसने करना कुछ और था, क्योंकि उसको सराइकी पे करनी थी जुबान पे, तो ख्वाजा साहब पे लिख के कहता है कि ये उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा है, नबी पाक के बारे में नहीं कहा। मैं कहा पागल हो गया, देखो ना अकीदा ठीक नहीं है ना, तो बाबे के शेर सारे खराब कर देगा, अपना अकीदा नहीं बदलना बदलना। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा कहता मेंढा जिसम भी तू, ते मेंढी अल्लाह जिसम हो सकता है? अजीब पागल है ना, उसका तो जिसम ही नहीं, कहता अल्लाह की शान देखा। मैं कहता तेरी मां तुम्हारी, खुदा के बंदे तूने मानना नहीं तो ना मान, मेंढा जिसम भी तू, मेंढी मेंढी रूह भी तू, मेंढा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मेंढे फर्ज फरीजे हज ज़कातां सौम सलातां आजान भी तू। मैंने एक मजमून लिखना था हजरत बिलाल हबशी पे, तो मौलाना मुझे कहने के लिख के दे, मैंने कहा छाप देना जो मैं लिखूंगा। कहा जनाब छाप देंगे, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, अजान का हुक्म भी बाकी है और सवाब भी बाकी है, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी पाक के बाद कोई नहीं पढ़ी, हुक्म भी बाकी है और सवाब भी, लेकिन हजरत बिलाल ने हुजूर के बाद मेंढे फर्ज फरीजे हज ज़कातां सौम सलातां आजान भी, मेंढा जिक्र भी तू, मेंढा फिक्र भी तू, मेंढा जौक भी तू, विजदान भी तू, मेंढियास उम्मीद, मेंढा तकिया मान तरान भी तू। बड़ी लंबी बात है, लेकिन बाबा जी ने हद कर दी खत्म करते हुए, कहने लगे यार फरीद ये कबूल करें मेंढा दीन भी तू ते ईमान भी तू, यार फरीद जे कबूल करें मेंढा दीन भी तू ते। मुफ्ती आजम हिंदाला हजरत के साहबजादे फरमाते हैं फरिश्ते कब्र में आके अगर पूछेंगे ना मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जान अब इशारा करूं मैं। और आला हजरत फरमाते हैं इन्हें माना इन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। एक दर्द की बात भी सुन ले, दर्द की बात भी, मुसलमान हज करने जाता है उमरा करने जाता है, लेकिन वो लौटते ही जहाज में बैठते ही चाहे एयरलाइन पाकिस्तान की हो अरब की हो किसी मुल्क की हो, वही बेहयाई वही उरियानी वही औरतों के बरहना चेहरे वही सारा कुछ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर होने वालों, देखो ना मदीने का इतना हसीन रंग देख के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन हमारी वो फहाशी वो उरियानी वो बेपर्दगी वो हर जगह उसी तरह मौजूद है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो बेहयाई के मनाजर, वो बेहयाई के, अगर यूरोप के मुल्कों में पाबंदी लग सकती है कि बीबियां सकाफ ना पहने, तो पाकिस्तान में पाबंदी नहीं लग सकती कि यहाँ जो आए पर्दे के साथ आए? अगर किसी ने नकाब नहीं करना तो कम से कम लिबास तो बेहयाई का ना पहने। इतनी कुरियानी इतनी फहाशी। मुझे एक और पोर्ट पे अरब के एक और एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुकने का इत्तफाकिया रुकने का मौका बन गया, इत्तफाकिया वहां भी रंग ढंग बड़े निराले देखे, मुसलमानों की बेराह रवि और हुजूर के दीन से बगावत, सरे आम बगावत। आज तो भी पढ़ रहे हैं उड़ते वक्त दुआ पढ़ेंगे, जहाज में सारे पढ़ लें, वो दुआ पढ़नी है जिससे बंदा गिरता नहीं, जिससे जिससे नुकसान नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, और बेहयाई भी रहेगी फहाशी भी रहेगी। ये क्या मामला है? दोस्ती रहमान से, खुश रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी माजन, ये किस तरह का तरीका है? मुसलमान को सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि वो पर्दे का ख्याल करे, पर्दे का ख्याल करे, नजर के पर्दे का ख्याल करे। और जितना हुक्म मर्द के लिए नजर झुकाने का है उतना ही हुक्म औरत के लिए भी है, उसको भी इजाजत नहीं कि वो गैर मर्द को देखे, वो भी उसी तरह अपनी आंख की हिफाजत करेगी जैसा कि मर्द करेगा। हर वक्त मदीने से प्यार करे, जिसका कभी 6 साल बाद भी इरादा है जाने का, वो भी आज से हुजूर की नाज सुननी शुरू करे, अपने अंदर दर्द पैदा करे, ज़ौक पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, विजदान पैदा करे, अकीदा इतना खूबसूरत इतना ठंडा इतना हसीन रखे कि जब मदीने जाए तो कैफियात का पूरा उसके पास खजाना हो, उस रंग में जाए, काबतुल्लाह से प्यार करे, अल्लाह के घर से मोहब्बत करे। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, ये अकीदा रखे। मेरा दिल करता है आइंदा जुम्मतुल मुबारक को पर्दे के बारे में कुछ बात करूं। हम बंदोबस्त कर देंगे, मैं दोस्तों से कहूंगा वो यहाँ बंदोबस्त करेंगे, अगर आप खवातीन को साथ लाएं तो यहाँ एक कोने में उनके लिए बंदोबस्त किया जाए,
ये इस बात ने बड़ा परेशान किया है, जाते भी और आते भी, ये एक दर्द है। नौजवानों को अगर कुछ आप कह दें वो पहुंच सकें, जहां तक हमारी बात में इतना असर तो नहीं अमल की कमी की वजह से, लेकिन हो सकता है उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। खवातीन को आप लाने की कोशिश करें। आइंदा जुमा हम पर्दे के बारे में बात करेंगे, पर्दा क्या है, उसकी जरूरत क्या है, इस्लाम में उसके अहकाम क्या है, उस पर बात करेंगे। अपील है मेरी खवातीन समेत आए, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उमर दरूद सलाम।